नमस्कार दोस्तों, न्यूज तक की साप्ताहिक सभा में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण की घोषणा कर दी है। अब यह यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहलाएगी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 14 जनवरी को शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई में 20 मार्च को खत्म होगी। 15 राज्य, 67 दिन, 110 जिले और 100 लोकसभा सीट, ये पूरा एरिया कवर करने के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कोई चमत्कार कर पाएगी लोकसभा चुनाव में? क्या बीजेपी को कोई मजबूत चुनौती दे पाएगी? ये गणित समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब और तक समूह के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर। सबसे पहले तो मैं रशीद साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इतने दिन लेने के बाद कल जो हमारे सामने नक्शा आया, जो रूट आया, आखिर क्या सोचकर कांग्रेस पार्टी ने वो बनाया है, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं? जी धन्यवाद। देखिए, जो भारत न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा अध्याय है, मुझे लगता है कि उसमें जो उसे हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकली करेक्ट के मतलब जो संवेदनशील जगह हैं या जो पूर्वोत्तर की जगहें हैं या जो पूरा एक रूट मैप में ऐसी जगहों का ध्यान रखा गया है जिससे राहुल गांधी जो इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं उस मुद्दे उठाने में उनको थोड़ी सी मदद मिले। लेकिन जो राजनीतिक असल में सबसे बड़ी बात हमें ये देखनी चाहिए कि जो यात्रा होती है, यात्रा का क्या उद्देश्य क्या है, क्या उसका उद्देश्य ये है कि वो लोकसभा में कांग्रेस की जो स्थिति है या कांग्रेस की जो 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 चांसेस है उसको क्या मजबूत करती है, क्या उसका जनाधार बढ़ाती है, क्या वो जो इंडिया अलायंस बना है उसको किसी तरीके की मजबूती गति और दिशा दिखलाती है। इन तमाम मापदंड पे अगर आप देखें तो आपको वो यात्रा जो है वो काफी आधी अधूरी नजर आएगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या उस यात्रा के साथ ये है कि उसमें इस तरह का जो एक तो राजनीतिक उद्देश्य का अभाव है, दूसरा वो हाइब्रिड मोड में है कि मतलब बस में चलेंगे और लंबे लंबे सफर के ऊपर ऐसा होगा कि दूसरे पैदल चलने के अलावा जो पहले चरण में अधिकांश जो था सारा हिस्सा उन्होंने पैदल चल के राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया था, तो यहाँ पर उसकी थोड़ी सी जो विश्वसनीयता या जो उसकी जो उसमें हिम्मत और जुझारूपन का जो संदेश जाता है वो यात्रा में कम हो जाता है। और तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लोकसभा के चुनाव के बहुत समीप हो रहा है। अगर राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो है कुछ समय के बाद में अगर सरकार जो है चुनाव एक महीना भी पहले भाजपा सरकार कर देती है कि बजाय अप्रैल मई में वो मार्च अप्रैल में चुनाव होता है तो कांग्रेस और विपक्ष को और भी समय का जो समय नहीं मिलेगा और जिस तरीके का जो अभी सीटों को लेके या रणनीति को लेके जो गतिरोध बना हुआ है उसमें और भी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो राजनीतिक रूप से ये मुझे ये एक सिंबॉलिक यात्रा लगती है। सिंबॉलिक मतलब देखिए, राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी समस्या है जो कांग्रेस के अंदर उसकी चर्चा होती है और विपक्ष भी उसको लेके थोड़ा सा परेशान ये है कि उनकी कोई भूमिका तय नहीं है। वो कांग्रेस के विधिवत रूप से अभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो जो इंडिया अलायंस बना है उसमें उनकी कोई पोजीशन नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जिसे हम कहते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल, वो एक लीडर एट लार्ज है। वो जो अपनी मनमानी मनमर्जी चाहे पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो या गठबंधन की राजनीति हो सब में करते हैं, तो इसलिए जब तक उनकी कोई, लोगों का मानना है कि जब तक उनकी कोई भूमिका नहीं तय हो जाती, जब भूमिका तय होगी तभी उसका उद्देश्य होगा, तभी उसकी यात्रा का राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो ये राजनीतिक यात्रा, जैसे मैंने पिछली भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी कहा था कि हाई ऑन ऑप्टिक्स लो ऑन सब्सटेंस, कि हाथ क्या कांग्रेस को लगेगा। आपने एक मैंने आपने जो एक स्टडी करी है कि 351 या 357 लोकसभा सीटों को ये तमाम राज्यों को कवर करेगी और समय कांग्रेस के पास केवल उसमें से 14 लोकसभा के सांसद है, क्या ये 28 हो जाएगा, क्या ये 54 हो जाएगा, क्या ये 100 के आसपास आएगा? तो बहुत से लोगों का जो यात्रा से जुड़े भी हुए हैं उनको भी संदेह है कि वो 14 से 26 तो हो सकता है लेकिन उससे आगे गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं और इसकी पृष्ठभूमि है। मणिपुर से शुरू हो रही है यात्रा, इसका एक मतलब तो है ही, और महाराष्ट्र में खत्म हो रही है जहां पर एक बड़ा गठबंधन कांग्रेस पार्टी को बनाना है लेकिन इसके अलावा हिंदी पट्टी के बहुत सारे राज्य कवर कर रही है, वो जो कि बीजेपी के बहुत मजबूत गढ़ हैं,
तो ऐसी सूरत में क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो बीजेपी के उन मजबूत किलों में सेंध लगा पाएगी? देखिए नीरज, ये ध्यान रखिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा का पहला संस्करण था और अब ये दूसरा संस्करण है, तो मुझे लगता है कि पहला जो संस्करण था जो कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक गया था, जिसको हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाने की बात कर रहे थे, या वो यात्रा पूरी चली, तो वो जब यात्रा शुरू हुई थी तो मेरे ख्याल से मतलब सबकी ही एक्सपेक्टेशन उससे बड़ी लो थी। मतलब कि ऐसा लगा था कि पता नहीं राहुल गांधी पूरी भी कर पाएंगे कि नहीं, या उसको मतलब कितनी गंभीरता से लोग लेंगे। तो उसका एक फायदा कांग्रेस को हुआ ना हुआ, लेकिन राहुल गांधी को अपनी इमेज सुधारने में जरूर हुआ कि वो एक गंभीर पॉलिटिशियन है, उन्होंने 3000 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा की। तो मुझे लगता है कि जब आप ये दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरे चरण की जब बात हो रही है, तो इसमें दो समस्या है। एक, मुझे लगता है कि इसको बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, मतलब इसको विधानसभा चुनाव से पहले इसको निकाल देना चाहिए था, ये अब बहुत देर से निकाल रहे हैं। और ये जो न्याय यात्रा भी इसमें जोड़ी गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर पिछले 1.5-2 सालों में कोई चीज़ सुधारी अपनी, तो उसने सोशल मीडिया का गेम या अपना कम्युनिकेशन का गेम सुधारा है। तो जो मार्केटिंग के टर्म में एक बात कहते हैं, जो कि कल जयराम रमेश ने कहा कि नहीं, अब भारत जोड़ो यात्रा एक ब्रांड बन चुका है, तो उसको भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा कह देते हैं। तो अब ये जो कन्फ्यूजन मतलब कांग्रेस में है, जब से इन चुनावों में हार हुई है हिंदी प्रदेशों में, तो ये भी एक मतलब आपका मैसेज क्या है? जैसे भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज था कि भाई हम मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं, या हम भाईचारे की बात कर रहे हैं देश में, हम एक ऑल्टरनेट व्यू दे रहे हैं कि भाई अगर भाजपा, उनका आरोप ये है कि अगर वो सांप्रदायिकता की राजनीति करती तो हम सबको मिलना जुलने की बात करते, ये एक संदेश था। अब इसमें आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो अब या तो आप इसमें संदेश क्या है, ये मुझे पॉलिटिकल संदेश में उसके राज, क्योंकि मेरा पहले भी मैंने कहा था, पिछले हफ्ते भी ये बात कही थी कि मोर देन द मतलब आप एक आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव आप पेश कर पा रहे हो, तो आप जब आप न्याय यात्रा भी कह रहे हो, तो क्या ये न्याय सामाजिक न्याय है? जो आप ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हो, क्या उसको आप उठाना चाहते हो, या ये वो न्याय है जो 2019 में राहुल गांधी ने कहा था कि 72,000 रुपये हम हर आदमी को देंगे, जिसके जवाब में फिर बीजेपी ने पीएम सम्मान निधि निकाल दी थी? बिल्कुल। तो ये जो मतलब मुझे लगता है कि जो जो मैंने कहा कि कांग्रेस ने अपना कम्युनिकेशन ठीक कर लिया था, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या तो ये भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है या भारत न्याय यात्रा हो सकती है, तो ये अभी भी जब तक मतलब नेचुरली अभी तो जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि जब यात्रा शुरू होगी तब हमको थोड़ी और क्लैरिटी होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो संदेश पहली यात्रा का जितना स्पष्ट था जी, अभी कम से कम शुरुआत में ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यात्रा का उद्देश्य मतलब आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि पहली यात्रा जो है हमारी वो मील का पत्थर साबित हुई, अब वो एक ब्रांड बन चुकी है, तो इसमें अब हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक और शब्द जोड़ देते हैं, वही बात जो आपने कही। लेकिन आपने पहले उसका नाम न्याय यात्रा रखा, न्याय यात्रा, तब भी लोगों को लगा कि जब नाम आपका ठीक था जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तो आपने न्याय कर दिया, फिर अब आपने कहा कि नहीं जी, फीडबैक ऐसा आया है कि नहीं हमको जोड़ो भारत जोड़ो भी रखना है। तो कम्युनिकेशन जो मैंने कहा ना कि जो अच्छी चीज थी कांग्रेस ने बेहतर की थी, बिल्कुल, कि भाई उसका संदेश, उसका असर हो ना हो, लेकिन वो संदेश बड़ा साफ था, यहां थोड़ा घालमेल लग रहा है। बिल्कुल, और जैसा कि अभी मैं राशिद किदवई साहब ने जिक्र किया कि ये यात्रा, वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम 100 लोकसभा सीटें इस पूरे रूट में कवर करेंगे, यानी जिस भी राज्य के जितने जिलों से होकर वो गुजरेगी, लेकिन अगर अब उन सभी राज्यों की लोकसभा सीटों को गिने, 15 राज्य हैं देश के, उसमें 357 लोकसभा सीट्स आती हैं, और आंकड़ा देखने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि उन 357 में से 239 सीटें अकेले बीजेपी के पास है, 70% सीटें, और कांग्रेस के हिस्से में है 14 सीटें, यानी हर 100 में से महज 4%। तो राशिद साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि अब इस यात्रा के दौरान चूंकि हिंदी पट्टी के वो राज्य जो बीजेपी के बहुत बेहद मजबूत किले पिछले चुनावों में साबित हुए हैं, वहां से होकर भी ये यात्रा गुजर रही है, और इसके अलावा कई दूसरे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के एलाइज ने वेस्ट बंगाल जैसे, झारखंड जैसे, जहां पर अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी के इन मजबूत किलों में वो सेंध लगा पाएगी और अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के जो सीटें हैं उनको और बढ़ा पाएगी इस यात्रा के जरिए?
जी नीरज, धन्यवाद। देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही बड़ी एक गूढ़ समस्या भी है कांग्रेस की। कांग्रेस इसको टाल जाती है या उसके रणनीतिकार उसको दूसरे मील का पत्थर बताते हैं। देखिए, जब भी कोई यात्रा होती है, जैसे राहुल गांधी गए, मणिपुर गए थे और उसके बाद उन्होंने वहां मिजोरम में भी काफी प्रचार और यात्रा करी थी और ऐसा उनको काफी रेस्पॉन्स भी मिला। लेकिन जब मिजोरम के अगर अभी हाल में चुनाव हुए और उस चुनाव में देखें तो बिल्कुल कांग्रेस जो था वहां के ऊपर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। इस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें 16 दिन मध्य प्रदेश में, 12 दिन राजस्थान में रहे थे, लेकिन वहां भी उस तरह का प्रभावशाली वो नहीं रहा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का बहुत बुरा प्रदर्शन रहा और राजस्थान में भी उसको जो सत्ता में रहते हुए वो सत्ता में वापस नहीं आ पाई। तो ये तमाम जो मापदंड होते हैं, देखिए वही मापदंड नरेंद्र मोदी जी के लिए भी अपनाए जाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी किसी जगह के ऊपर किसी राज्य के चुनाव में या किसी भी चुनाव में प्रचार करते हैं तो उसके बाद एक उसकी समीक्षा होती है, मीडिया करता है कि नरेंद्र मोदी ने कितनी सभाएं की और उसमें वहां कितनी जगह के ऊपर कामयाबी हुई, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे वो असेंबली की। तो उससे राहुल गांधी बच नहीं सकते, ये समीक्षा होगी। और जब हम देखते हैं कि इम्फाल से शुरू हुई, फिर कोहिमा, फिर ईटानगर गई और उसके बाद में फिर बंगाल, बिहार, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमाम राज्यों में, और उसके बाद फिर इधर मध्य प्रदेश के जो भी मैं देख रहा था, जो 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 जिले या जो जगह जो राहुल गांधी टच कर रहे हैं, कि ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, उससे पहले यू उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़ और अमेठी भी शामिल है दिलचस्प रूप में, तो ये बरेली, तो कहाँ कांग्रेस जीतने के लिए सक्षम है, मजबूती से खड़ी हुई नजर आती है। और इसका एक आकलन होगा क्योंकि यात्रा खत्म हो जाएगी और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद के जो परिणाम आएंगे तो लोग इसको टैली करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी शुद्ध रूप से एक वो राजनेता है, वो कोई आध्यात्मिक उनका या धार्मिक या कोई फिलोसफिकल रोल उनका नहीं है। वो उस दशा में ये यात्रा जो है इसकी राजनीतिक मापदंडों पर आकी जाएगी। इसको आप मील का पत्थर कहते रहे लेकिन मील का पत्थर तब साबित होगी जब वो चुनाव में जीते। जैसे मैंने पिछली यात्राओं को उदाहरण दिया था कि जब आ, आ, एनटी रामाराव ने यात्रा करी तो एनटी रामाराव की जो चैतन्य यात्रा थी उसमें उनको भारी मतलब बहुमत से वो जीते। इस तरीके से जो राजशेखर रेड्डी जो जगनमोहन के पिताजी हैं उन्होंने यात्रा की थी उसमें उनको लाभ हुआ। तो उन यात्राओं का लोग जिक्र करते हैं, आज मैं इतने साल बाद जिक्र कर रहा हूँ कि 1983 की यात्रा एनटीआर की कितनी कामयाब थी। तो उसका राजनीतिक उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ जो मोहब्बत की दुकान की बात होती है, देखिए जो वही मैं कह रहा हूँ, चुनाव के रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट आते हैं तो इसका मतलब क्या हम माने कि क्या वो मोहब्बत की दुकान बन गई। देखिए, राहुल गांधी जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें जो है उनको हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते। देखिए, न्याय से मिले जी ने उसको काफी परिभाषित किया, तो न्याय से आपका तात्पर्य क्या है? तो न्याय का जो हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है गांव देहात में, वो न्याय का तो मतलब ये रहता है कि उसको कोई समस्या हो और कानून अदालत कचहरी में सरपंच के पास में जाता है, पंचायत में, तो उसको जिसको न्याय मिला वो न्याय। ये जो न्याय का आइडिया, एक जो वेस्टर्नाइज या फिलोसफिकल एक लिबरल आइडिया है कि न्याय का मतलब होता है कि उसको तो समान रूप से अधिकार मिले और हर चीज में उसकी भागीदारी हो, ये हो, ये थोड़ा सा परिभाषित करना मुश्किल होता है। इससे पहले उन्होंने संविधान बचाओ, तो मुझे याद है कि मैं भी कई बार गया तो वहां लोग यही कहते थे कि संविधान तो है, सरकार है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम चीजें हैं, तो ये संविधान को बचाने की क्या जरूरत है? तो इन सब चीजों को आम लोगों की भाषा में परिभाषित करने और समझाने की इसकी क्या जरूरत है? तो ये चीजें मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो ये डिस्कोर्स होता है, मैसेजिंग होती है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और राहुल गांधी ने अपने आप को, जैसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में एक देखिए समानता नजर आती है कि वो जरूरत से ज्यादा मतलब उत्साही तो मैं नहीं कहूंगा, उनको एक ऐसा रोल दिया जाता है वो नहीं। जैसे प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पूरा का एक नया जीवन प्रदान करूंगी, और पूर्व लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ 2019 की, और उसमें वो बहुत बुरे तरीके से नाकामयाब रही। फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में करूंगा, 200 से ज्यादा सभाएं की, अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला, लेकिन नतीजा सिफर। फिर नतीजा सिफर जो है ये गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला है, खासतौर से 24 के चुनाव के बाद में। न्याय बिल्कुल यात्रा पे बहुत कोई मासूमियत से ये पूछ सकता है ना कि जुर्म क्या हुआ है भाई जिससे आप हमें न्याय दिलाने वाले हैं।
तो वो एक वाकई वो एक अभूत सवाल है। मिलिंद जी, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं इस रूट में, जहां कांग्रेस पार्टी के पुराने या मौजूदा साथी इंडिया गठबंधन के, वो बहुत मजबूती से लड़े थे, ज्यादा सीटें जीते थे, तो ऐसी सूरत में उन राज्यों से यात्रा निकलेगी तो वो उस मजबूती में और अपना योगदान करेगी, या फिर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा कि भाई आप यहां क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? नहीं देखिए, तो नीरज जी, जो 357 का आपने आंकड़ा पेश किया था जी, तो उसका जब आप ब्रेकडाउन करेंगे उस आंकड़े को, तो ये तो बड़ा आकर्षक है दिखने में कि भाई 357 में से आपके पास सिर्फ 14 ही है, और राहुल गांधी अगर चल भी पड़े तो वो 14 का 28 तो कर ही देंगे। मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ कि वो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि आपका बेस ही इतना ही, आप 100% भी ग्रो कर जाएंगे तब भी आपकी 28 सीटें हो जाएंगी, या मान लीजिए और भी मान लीजिए 50 भी हो सकती है। लेकिन इसको जब आप इनको जो आप ग्राफिक्स में भी देख रहे हैं, जब इसमें सब ब्रेकडाउन करने जाते हैं, तो क्या होता है कि जो बीजेपी के गढ़ है इन 357 में, उत्तर प्रदेश के 70 सीटें हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मिला के 40 है, वो 110 हो जाती है, राजस्थान और गुजरात मिला के जो है वो लगभग 160 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाता है। तो सीधे जो आप 357 जब आप कह रहे हैं तो वो घट के रह जाती है, जिसमें आपको जीतनी है वो है वो 200 सीटें रह जाती है लगभग लगभग, मैं कह बिल्कुल। अब उस 200 में भी क्या है कि बंगाल और बिहार मिला के और महाराष्ट्र मिला के वो भी लगभग जो है 125 सीटें हो जाती है, वो भी 125 सीटें हो जाती है। तो जो गेम है मतलब जो है वो बचती है 75 सीटें। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर है कांग्रेस के लिए, इसको हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि जब आपकी सिर्फ वहां 14 सीटें हैं और वो बढ़ा सकते हैं, और कम से कम इसमें जो स्कोप ज्यादा मुझे नजर आता है वो आता है बिहार में और महाराष्ट्र में, ठीक है, बंगाल में तो क्योंकि ममता बनर्जी ऑलरेडी है और वहां उनकी 22 सीटें पिछली बार थी और 2 सीटें कांग्रेस की, जो 24 सीटें जितनी उनको ऑफर की गई है जी। असम के बारे में मुझे नहीं पता है क्योंकि असम में भी सीटों की संख्या ज्यादा है, वहां कांग्रेस की कम सीटें आई थी। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी, अगर बड़ी अगर अपॉर्चुनिटी आप देखें, तो भले ही राहुल गांधी अपना समय ज्यादा उत्तर प्रदेश में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी जो असली अपॉर्चुनिटी है वो है बिहार में, क्योंकि आपके अलाइज वहां मजबूत है और बीजेपी अभी तक कोई बहुत अल्टरनेट कोशिश कर रही है पेश करने का जी। हालांकि अभी भी मेरा ये मानना है कि जब मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस होगा महाराष्ट्र और बिहार में भी, तब भी जो लोकल इक्वेशंस है वो उतने कारगर होंगे या नहीं होंगे। तो कुल मिला के ये जो 357 में 14 सीटें वाला जो गणित हमने अभी देखा, वो गणित के लिहाज से आकर्षक है, लेकिन चुनाव जो है वो गणित से नहीं होता। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि भाई आप लोग मैथमेटिक्स देख रहे हैं, मैं तो केमिस्ट्री देख रहा हूँ, क्योंकि 2014 में जब उनको इसी तरह का लोगों ने गणित बताया था तो उन्होंने कहा था कि आपको मतलब मुझे केमिस्ट्री दिख रही है, आपको जो है मैथ दिख रहा है। तो तब भी लोग यही हिसाब लगाते थे कि नहीं जी उत्तर प्रदेश में तो कभी नहीं आ पाएगी, बिहार में कभी नहीं आ पाएगी, बंगाल में नहीं आ पाएगी। तो कहने का आशय ये है कि ये गणित के रूप में आकर्षक है, लेकिन अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई केमिस्ट्री बना सकती है वोटरों के साथ में, तब हो सकता है कि इसमें हम कोई परिवर्तन देखें। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग की है अपनी स्टेट यूनिट्स के साथ और अपनी नेशनल यूनिट्स के साथ, और उसके बाद ये कहा कि हम 255 सीटें हैं जिन पर हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये न्याय यात्रा जो है वो जिन जिन जिलों से होकर गुजरेगी, अगर हम उन्हें लोकसभा सीटों में तकसीम करते हैं तो वो 100 लोकसभा की सीटें बनती हैं। तो राशिद साहब, अगर इसे मोटे तौर पर देखें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी इस यात्रा में 100 सीटों पर अपने कदम जमाना चाहती है, और उधर बीजेपी ने अभी हाल ही में नारा दिया था कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, तो कहां बीजेपी 400 पार के नारे दे रही है? कांग्रेस पार्टी जो है वो बयानों में भी 250 सीट पर है, 255 सीट पर है, और वो प्रैक्टिकली 100 सीटों को कवर करती हुई नजर आ रही है इस यात्रा में। अभी हाल ही में जो ओपिनियन पोल भी आए मिलिंद जी, वो कांग्रेस पार्टी को 50-52 सीटें, यानी उनका जो पिछला आंकड़ा था 2019 का, टाइम्स नाउ और ETG का जो ओपिनियन पोल था वो 52-72 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे रहा है देश भर में, और बीजेपी को 308 से 328 सीटें दे रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो ये अपना 100 सीटों का एक टारगेट है या 125 सीटों का टारगेट है, ये पूरा करती हुई नजर आ सकती है?
जी मुझे देखिए, मुझे तो अंदेशा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं राम मंदिर और उसके बाद की राजनीति, और थोड़ा अगर लोकसभा चुनाव और पहले हो जाता है तो जो है कांग्रेस की हो सकता है सीटें जो सर्वे बता रहे हैं उससे भी कम हो, क्योंकि कांग्रेस का अगर हम देश का मानचित्र देखें तो कोई भी राज्य में 10 सीटें यकमुश्त, मतलब एक से मतलब 10 सीटें इकट्ठा लाने में कांग्रेस बहुत उसको मुश्किल नजर आ रही है। अगर आप दोनों हमारे मित्र हैं, आप बता सकें कि कहाँ कांग्रेस 10 से ज्यादा सीटें लाने में सक्षम है, तो मुझे वो सुन मुझे जान की वो जानकारी से मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि ले दे करके सिर्फ जो मुझे तेलंगाना में ही कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नजर आता है कि लोकसभा में हो सकता है उनकी 8, 9, 10 सीटें आ जाए, और केरल जी, में भी तमिलनाडु बहुत में, तमिलनाडु में 8 सीटें थी उनकी 2019 में, पंजाब में जी आठ वो तो सीटें थी अलायंस में, जहां जी बिल्कुल जी, इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि जब 9 सीटें आपको अलायंस में मिलेंगी तो आप 9 में से आप सारी की सारी क्या 9 जीत जाएंगे, और उसमें भी वो भी 10 का आंकड़ा नहीं पूरा करती है। पंजाब में जरूर पिछली बार कांग्रेस को, लेकिन पंजाब में भी पिछली बार इस बार बहुत कांग्रेस को समस्या है, 1-2 सीटें अगर अलायंस होता है तो भी उनको 2-3-4 सीटों के ऊपर ही चुनाव लड़ सकेंगे। तो इस तरह से, और पहली बार मिलन जी इस चीज की ज्यादा मुझे लगता है मीडिया में चर्चा नहीं हुई कि पहले 51-52 के चुनाव से लेके ये 18वां लोकसभा का चुनाव 24 में होने जा रहा है, और पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो इतनी सीटों पे लड़ेगी कि अगर वो तमाम सीटें जीत जाए, एक सिर्फ हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ, काल्पनिक बात कह रहा हूँ, अगर वो सारी की सारी सीटें जीत जाए तो भी वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं होगी। तो मतलब 272 से कम सीटें लड़ना, ये भी मैं फिर कहूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक बहुत मुश्किल मतलब समस्या है। कभी भी उसने इतनी कम सीटों पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, और हमेशा से उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता था, और इसमें आने वाले समय में उसको बहुत, जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जब बसपा से 1996 में अलायंस किया गया था, और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, तो उस समय मुझे याद है कि वो 24 अकबर रोड में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने गठबंधन अनाउंस कर दिया, जितेन प्रसाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष, उस समय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनसे पूछा गया कि कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी, तो पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस जमाने में प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो सन्नाटा छा गया, और उसके बाद तक कांशीराम जी खड़े हुए, कांशीराम ने कहा कि हम 300 पे लड़ेंगे और कांग्रेस 125 सीटों पे लड़ेगी, उस जमाने में उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड नहीं बना था, तो 425 सीटें थी। और उसके बाद से फिर एक करुणाकरण कमेटी रिपोर्ट आई, एंटोनी कमेटी रिपोर्ट आई, उन्होंने यही कहा कि जब कांग्रेस 125 सीटों पे चुनाव में लड़ी तो बाकी 300 सीटों पे वो बसपा सपा और दूसरे राजनीतिक दलों, भाजपा, तमाम वो जो थे उनके कार्यकर्ता और जो स्थानीय नेता थे उधर चले गए। तो ये जो कम सीटों पर लड़ना जो है ये बड़ा दुधारी तलवार होती है, इसमें बहुत नुकसान ज्यादा होता है फायदा कम होता है, लेकिन कांग्रेस तो खैर इस समय मतलब इंडिया अलायंस का सदस्य है, और वो चाहती है कि तरीके से नरेंद्र मोदी जी को अगर हरा ना सके तो सीटें कम कर सके, तो सीटें कम करने के प्रयास में वो ऐसा प्रयोग कर रही है, लेकिन मुझे उसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं नजर आती, क्योंकि 100 सीटों का टारगेट ये वो लोग बना रहे हैं जो एक किताबी ख्याली दुनिया में रहते हैं, मतलब चाहे वो जयराम रमेश हो, जो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव लड़ा है, योगेंद्र यादव जी हैं, इस तरह के ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकसभा के चुनाव नहीं लड़े हैं, या जमीनी राजनीति से वो इतने ज्यादा बखूबी वाकिफ नहीं है, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि वो कहीं के ऊपर भी अलायंस में, देखिए बम्बई जा रहे हैं, बम्बई में मेरे ख्याल से 7 लोकसभा की सीटें हैं, वहां क्या कांग्रेस 1 या 2 सीट भी जीत सकती है, इसको लेके बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो तमाम, अगर आप इम्फाल से बम्बई तक के तमाम लोकसभा के सीट देखें तो जीतने में बहुत कम, बिहार का जो जिक्र हो रहा है, बिहार में वो लालू यादव और जेडीयू, अगर सब अलायंस की बातचीत रही तो 2 या 3 सीटें मिलेंगी, अगर मैं कह रहा हूँ 100 फीसदी भी कामयाबी होती है तो 3 सीटें हाथ लगेगी, उत्तर प्रदेश में 2 या 3 सीटें मिलेंगी, तो 2-3 सीटें मिली और 2-3 सीटें अगर जीत भी गए, मैं तो बहुत उदार हृदय से उनको कह रहा हूँ कि 100% कामयाबी, तो कांग्रेस के हाथ में बहुत कुछ नहीं लगने वाला है, और खासतौर से जब मैं बार बार कह रहा हूँ भारत जोड़ो या भारत न्याय यात्रा का जब आकलन होगा, उसको चुनाव से जोड़ेंगे, तो वो राहुल गांधी की यात्रा बहुत मतलब फीकी और थकी हुई नजर आएगी।
कांग्रेस पार्टी फिर हाथ पर हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकती ना। उनकी तो ये दलील है कि ये ओपिनियन पोल जो आप दिखा रहे हैं ये तो अभी फिलहाल आज चुनाव होने की स्थिति में दिखा रहे हैं, हम इसी की भरपाई के लिए तो ये सब काम कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे कदम उठा रहे हैं। तो क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो आशावाद है ये छदम है, ये पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए जब नीरज भारत जोड़ो यात्रा पहले चरण में निकली थी, तब भी एक बात बार बार लोगों ने कही थी जो कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, कि भाई अगर ये यात्रा निकालने के बाद में कल को जो यात्रा से जहाँ से गुजर गई वहाँ किसी ने फॉलो अप नहीं किया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। मतलब अगर आपने दोबारा, जैसे बीजेपी अगर बात कर रहे थे अभी राशिंदर, तो बीजेपी उसको फॉलो अप करती है, भले वो चुनाव वहाँ हार जाए, तेलंगाना में भी चुनाव हार जाए, कहीं पर भी, कि आगे क्या करना है, कैसे उसको चलना है, उसका एक कोई एक वो होता है। तो मुझे लगता है जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी कांग्रेस गई, तो जैसे कर्नाटक है या तेलंगाना है जहां पर जो इंडिविजुअल लीडर्स थे उन्होंने पार्टी को ड्राइव करके रखा था, तो उन्होंने उस यात्रा के बाद फॉलो किया या उसका एक तरह से लाभ उठा लिया। लेकिन जो बाकी प्रदेशों में जहां भी ये यात्रा गई, मध्य प्रदेश में खास करके, क्योंकि राजस्थान में फिर भी आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन उतना बुरा नहीं रहा जितना कांग्रेस का मध्य प्रदेश में बुरा रहा, तो कोई फॉलो ही नहीं हुआ है। तो इसलिए अब भले ही आप जब यात्रा निकाल रहे हैं तो ये यात्रा निकालने की जिस जगह से, अगर इम्फाल से यात्रा चली जाएगी तो अगले दिन वहां कोई कांग्रेस का नाम लेवा भी होगा कि नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जी क्योंकि अदरवाइज तो आप टूरिज्म कर रहे हैं कि आप दिल्ली से एक दल लेके जा रहे हैं, देश भर के लोग जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, लेकिन वहां पीछे आप जब तक उस यात्रा का फायदा तभी होगा जब उसमें कोई फॉलो अप होगा या वहां पर अपना संगठन आप मजबूत करेंगे। आगे दौड़ पीछे चोर चीज से कहते हैं। और दूसरी बात यह कि नेचुरली आप जब विपक्ष में होते हैं तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करना या उनको रिटेन करना, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये यात्रा जारी करने में थोड़ी देर हो गई, तो आप ये कह सकते हो कि भाई हम हाथ पे हाथ तो धरे हुए नहीं बैठे हुए, लेकिन ये रिएक्शन जो है, अभी भी चर्चा राम मंदिर की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो जो मैंने कहा ना कि जो नैरेटिव सेट करने का काम है वापस बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया, और ये लगातार पिछले चार, मतलब ये विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था, जब जैसे उन्होंने इंडिया देश का नाम बदल जाएगा इस तरह की बात, भारत हो जाएगी, या महिला आरक्षण, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये सितंबर मुंबई की जो बैठक हुई थी उसके बाद से लगातार वापस बीजेपी ने इनिशिएटिव एक तरह से छीन लिया, कि भाई कभी सनातन के नाम पर कंट्रोवर्सी हो गई, तो वो जो कम्युनिकेशन है इसको ठीक करने का अभी भी अवसर है मुझे लगता है कांग्रेस के पास में इसके जरिए। लेकिन ये जैसे मैंने कहा ना कि आपका उद्देश्य क्या है, भारत जोड़ो यात्रा है या भारत न्याय यात्रा है, और न्याय का जैसे राशिद ने कहा कि भाई ये बहुत एक लिबरल आइडिया है, वेस्टर्न आइडिया है, कि न्याय का मतलब, यहाँ तो न्याय का मतलब ये है कि मेरे घर में कोई चोरी हो जाए, मैं थाने में जाऊँ तो मेरी रिपोर्ट लिख ली जाए, इतनी लोगों की अपेक्षा होती है न्याय से, तो भले ही वो कोर्ट में भी ना जाए, बाद में मामला जो भी हो जाए, लेकिन कम से कम इतना लोगों की, बहुत हमारे अनफॉर्चुनेटली देश में अपेक्षा बहुत कम है सरकारों से या न्याय वाली जुबान। तो ये सब जो जैसे कहा ना कि जो बौद्धिक बातें हैं वो अपनी जगह है, लेकिन धरातल में वो कैसे उतरेगी ये हमको अभी देखना बाकी है। जी राशि साहब, एक छोटी टिप्पणी आपकी इस पर भी चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के कुछ दलों का ये भी कहना है कि ये वो वक्त था जब हम सीट बंटवारे के फॉर्मूले तय कर रहे होते, ये वो वक्त था जब हम साझा रैलियों पे अपनी एनर्जी खत्म कर रहे होते, अब चूंकि राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं तो इन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी का तो पूरा अमला जमला जो है वो इसी यात्रा में लगा रहेगा, वो इंडिया गठबंधन के लिए क्या करेगा? नहीं देखिए, ये आलोचना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। दरअसल कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है विधिवत रूप से, लेकिन सारा का सारा जो राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरशिप है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के हाथ में है। अब वो कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में देखें तो जो चार पांच मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री अपने उसको लेकर के बहुत आश्वस्त है कि उनको वहां, तो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे एम के स्टालिन हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता एनर्जी हूं, तो उनको उस तरह का मतलब किसी ना किसी को एक एक ऐसा बड़ा काम करना पड़ता है ना। तो देखिए उसका कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, दलित के नाम से आया, लेकिन वो कांग्रेस ने ही उसको आगे नहीं आगे बढ़ाया। इसी तरीके से कोई संयोजक का नाम आज की डेट में 5 जनवरी तक कोई नाम नहीं आया है, किसी को हुआ नहीं है, तो इसलिए उसमें कोई स्टेक होल्डर नहीं है। देखिए जब तक यहाँ नरेंद्र मोदी जी की हम आलोचना करें, या नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है वो, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ पाने के लिए वो सब कुछ करने को भी तैयार रहते हैं, तो वो जो चीज है उसका हमें यहाँ अभाव नजर आता है। यहाँ पूरा इंडिया अलायंस या कांग्रेस
ये खेमों में बटा हुआ है और सब मतलब जैसे मैंने एक शायद ऐसी कहा था कि मतलब कि दे आर हैप्पी टू बी अनहैप्पी, कि उन्हें अभी से शुरू हो गया कि कांग्रेस को ब्लेम करेंगे, कांग्रेस सोचती है कि हम अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के हठधर्मी को ब्लेम करेंगे, वहां एक वैसा भी नैरेटिव बन रहा है। तो 24 तो उन्होंने इस तरीके से उसमें उस तरह की जो सरगर्मी होनी चाहिए थी, करो या मरो वो वाली बात नहीं। अगर राहुल गांधी केवल यही कह देते कि मैं 25 लोकसभा चुनाव देश मतलब लोकसभा है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा, 25 में 25 जिता के लाके दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से, भारत न्याय यात्रा से बेहतर रिजल्ट होता। लेकिन उस तरह की प्रतिस्पर्धा, उस तरह की हंगर, उस तरह की भूख, उस तरह की ललक, उस तरह की तमन्ना हमें नजर नहीं आ रही है। तो राहुल गांधी 14 जनवरी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। इम्फाल से लेकर मुंबई तक ये यात्रा लगभग 66 दिनों में 6700 किलोमीटर का सफर तय करेगी, लेकिन अभी भी अगर हम इसका आकलन करते हैं तो दिल्ली कांग्रेस पार्टी के लिए दूर ही नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलिंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का आभार। फिलहाल के लिए नमस्कार।